अरे ये तो तारा है, कहीं इसकी मां ने इसको बता तो नहीं दिया होगा। क्या हो गया भले, हर बात पे डरते। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो एक हंगामा खड़ा हो गया था। ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मतलब नहीं बताया ना। और अगर फर्ज करो बता भी दिया तो क्या हो गया? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया? भाई किसी यतीम बेवा को सहारा देना तो सवाब का काम होता है। डरा मत करो हर बात। ऐसा करता हूँ, इसको ना लिफ्ट दे देता हूँ, ऐसे जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ ये सही है, चलो। हाँ देखो, हो सकता है आ जाए। मुश्किल ही है इस वक्त से। कौन है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली हमारे एग्जाम्स होने वाले, तो हम एक दोस्त की तरफ गए हुए थे कंबाइंड स्टडीज करने के लिए, बस वापस जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम एक्चुअली रिक्शा या टैक्सी के अभी कोई आ जाएगा फिर हम चले जाएंगे उसमें। इतनी रात को यहाँ अकेले ठहरना ना सही नहीं है, हालात का कुछ पता थोड़ी होता है। और फिर मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा, आओ बैठो। अरे भाई जो रक्षे वाले को पैसे देने हैं ना वो मुझे दे देना, बस अब ठीक है, चलो बैठो। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल से जाना। अरे तुमने तो वाकई मुझे रक्षा ड्राइवर समझ लिया। भाई आगे बैठो, ड्राइवर थोड़ी हूँ मैं, आओ बैठो। तो कैसी चल रही है फिर तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी जा रही है। इनफैक्ट जब से नसरीन आंटी ने पढ़ाना शुरू किया है ना, माशाल्लाह से मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, और अब ये पूछो कि तुम्हारी नसरीन आंटी को किसने ट्रेन किया होगा? किसने? मैंने। वाकई? हाँ, तो और क्या भाई, जब शादी करके आई थी ना मेरे घर, एकदम नील बटा नील थी। ये तो मैंने उसको इस काबिल किया कि आज तुम जैसी होनहार लड़की को पढ़ा रही है वो। वाव, तो इसका मतलब है कि मुझे आपसे भी क्लास लेनी पड़ेगी। तुम कहती हो तो अभी देता हूँ, गाड़ी में है, अभी क्लास दे देता हूँ। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत पढ़कर आ रही हूँ, लेकिन एक दिन जरूर आपसे क्लास। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, जब कहोगी दे दूंगा। वो मैं कह रहा था कि पढ़ते पढ़ते बंदा थक जाता है, भूख तो लगती है। अगर भूख लगी है ना तो यहाँ एक बहुत अच्छी पिज़्ज़े की शॉप है, बेहतरीन पिज़्ज़ा होता है, खाएं। थैंक यू, लेकिन मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना पसंद है, मैं सिर्फ वही खाती हूँ। ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी बनाती ही इतना अच्छा खाना है। मैंने खाई थी ना उस दिन बिरयानी तुम लाई, बहुत अच्छी थी जी। बहुत मजे की। कैसी हैं तुम्हारी अम्मी? ठीक ठाक? तबीयत उनकी सही? कुछ क्या मतलब सही साथ? अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लो घर आ भी गया, मतलब पता ही नहीं चला ना है। वो क्या कहते हैं कि अगर हम सफर जो है ना वो हम मिजाज हो तो ऐसे सफर का बल्कि सारी जिंदगी का ना गुजरने का पता ही नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया। अब देखो शुक्रिया कह के ना मेरी इस नेकी को जाया ना करो, मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें ये लिफ्ट दी थी, मुझे ख्याल आया कि खड़ी हो अकेली रात के टाइम। आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, अरे ना जाने ही दुनिया कब खत्म हो जाती है। अच्छा ऐसी बातें करके ना मुझे शर्मिंदा ना करो, अपनी तारीफ सुन के मैं ऐसे बच्चों की तरह शर्माने लगता हूँ। ठीक है जाओ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, एक दफा फिर। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज़। अपनी अम्मा को मेरा सलाम दे। जी जी, अल्लाह हाफिज़। या रहने देना ना देना। खुदा इसका मतलब है कि बात नहीं की उसने, अच्छी बात। चल।